सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे आईफोन XR में BGMI टेस्ट हमारे नए iOS अपडेट में, जो कि है iOS 16.1 का बीटा 4। तो iOS 16.1 का बीटा 4 आ चुका है दो दिन पहले ही, लेकिन आज मैं इसका BGMI टेस्ट बना रहा हूँ क्योंकि पहले की वीडियोस में को कुछ बनानी थी और उसकी डिमांड ज्यादा थी, तो मैंने वो वीडियोस बना दी। एंड आज हम करने वाले हैं BGMI टेस्ट हमारे iOS 16.1 के बीटा 4 पे। तो गाइज इसका साइज हमको कुछ देखने मिला था 400 MB, और अगर आप बीटा 3 पे हो तो आपको 400-500 MB का अपडेट देखने मिलेगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम इसको अपडेट करते हो अपने आईफोन पे, कोई से भी आईफोन पे, तो आपको कुछ ये 4 या 5 GB का अपडेट देखने मिलेगा। लेकिन गाइस मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये अपडेट करो, क्योंकि इस अपडेट में काफी प्रॉब्लम्स है और वो सब प्रॉब्लम्स मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा एंड तक। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना एंड वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। और अभी मैं आपको बता देता हूं कि मैं BGMI टेस्ट करने कैसे वाला हूं। तो 1 घंटे तक मैं BGMI खेलूंगा स्मूथ एक्सट्रीम पे, यानी कि 60 FPS पे, और आधे आधे घंटे बाद आपको बताता रहूंगा कि कितनी बैटरी हमारी ड्रॉप हो रही है और क्या क्या टाइम हो रहा है, साथ के साथ दिखाता रहूंगा और लैग हो रहा है या फिर नहीं, फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं या फिर नहीं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको फेस करने मिल रही है वो सब भी आपको बताता रहूंगा। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो 98% मेरे फोन की बैटरी हो रही है, और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 11:15 हो रहे हैं, यानी कि 11:15 हो रहे हैं। तो अभी अपना गेम प्ले कर लेते हैं स्टार्ट। एंड गाइस अभी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और अगर वीडियो में आपको लैग दिखे तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना मेरे को। तो अभी एंजॉय करो गेम प्ले को। तो गाइज यहाँ तक खेलते खेलते हमको आधा घंटा कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 30 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं। और अभी आप लोग यहाँ पे बैटरी देख सकते हो 79% हमारी बैटरी हो चुकी है, और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 11:46 हो रहा है, यानी कि हमको खेलते हुए 31 मिनट्स हो चुके हैं, 1 मिनट ज्यादा हो चुका है। और गाइज 31 मिनट्स में जो कि हमारी बैटरी ड्रेन हुई है वो है 19%, और हमने स्टार्ट किया था 98% से और 79% हो चुकी है हमारी बैटरी। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो बैटरी ट्रेन तो सही हो रही है, ना ज्यादा हो रही है ना कम हो रही है। और अगर मैं लैग और फ्रेम ड्रॉप्स की बात करूं तो लैग तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं देखने मिल रहा था, लेकिन मेरे को थोड़े थोड़े फ्रेम ड्रॉप जरूर से देखने मिल रहे थे पहले आधे घंटे में ही। लेकिन गाइस अगर मैं इसको बीटा 3 से कंपेयर करूं लैग के उसमें पहले आधे घंटे में, तो बीटा 3 पे तो हमको लैग और फ्रेम ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं देखने मिला था पहले आधे घंटे के BGMI टेस्ट में, लेकिन मेरे को बीटा 4 पे थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप देखने जरूर से मिल रहे हैं। और फ्रेम ड्रॉप मेरे तब हो रहे थे जब बहुत ज्यादा बंदे आ जा रहे थे मेरे आसपास, तभी हमारे फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे थे, नहीं तो गेम बहुत ज्यादा स्मूथ चल रहा था, इतनी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही थी मेरे को। तो अभी आगे गेम प्ले करते हैं एंड देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है हमारे आईफोन XR का बीटा 4 पे। तो आगे एंजॉय करो गेम प्ले को। Someone new, I don't wanna be alone.
in the middle of June. He always been faking me out. Can't make you happy or not. सो गाइस यहाँ तक खेलते हुए हमको वन हार कंप्लीट हो जाता है और अभी आप लोग यहाँ पे बैटरी देख सकते हो 57% हमारी बैटरी हो रही है और आप लोग यहाँ पे टाइम भी देख सकते हो 12:19 हो रहा है यानी कि 12:19 हो रहा है और एक घंटे में जो कि हमारी बैटरी ड्रेन हुई है वो है 41% और अगर देखा जाए तो पहले से ज्यादा है क्योंकि पिछली बार 37% ड्रॉप हुई थी हमारी बीटा 3 पे 37-38 के अराउंड लेकिन अब की बार हमारी 40 अराउंड ड्रॉप हुई है बैटरी जो कि ज्यादा है और अगर मैं यहाँ पे लैग और फ्रेम ड्रॉप्स की बात करूँ तो लैग तो मेरे को इतना कुछ देखने नहीं मिल रहा था लेकिन यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स मेरे को काफी देखने मिल रहे थे। तो गाइज अगर आप बीटा 3 पे हो तो बीटा 4 पे अपडेट मत करना अगर आप BGMI खेलते हो तो, और आपके पास अगर आईफोन XR या फिर आईफोन 11 है तो इस अपडेट को मत करना यानी कि iOS 16.1 के बीटा 4 को मत अपडेट करना अगर आप बीटा यूज कर रहे हो तो, और नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप बीटा यूज कर रहे हो या फिर नहीं यूज कर रहे हो। तो गाइज यही था आज के हमारे इस वाली वीडियो में, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अगर वीडियो पसंद ना आई हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, वैसे डिसलाइक किसी को दिखता नहीं है तो करने का भी कोई फायदा नहीं है। और गाइस चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को क्योंकि कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है यार, तो कम से कम आप तो सब्सक्राइब करने वाले बनो और मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक और मजेदार वीडियो में। नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और गाइस अगर आपको जानना हो कि आपको न्यू आईफोन में कैसे डाउनलोड करना है BGMI तो आपको आई बटन पे एक वीडियो की लिंक आ रही होगी, वो वीडियो देख लेना और आपको पता चल जाएगा कि कैसे डाउनलोड करना है आपको BGMI अपने नए आईफोन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए बाय बाय।